फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम जानेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक स्टेडलर स्टार्टर की कंट्रोल सर्किट के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको स्टेडलर स्टार्टर की कंट्रोल सर्किट स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ड्रॉ करके, उसके बाद वो कैसे ऑपरेट होता है वो भी मैं इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी स्टेडलर स्टार्टर की कंट्रोल सर्किट होती है वो दो फेस के बीच की जाती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आर फेस ले लीजिए, ठीक है। ये जाएगा OLR, ओवरलोड रिले में जाएगा, ठीक है, जो नॉर्मली क्लोज होता है, NC होता है, ठीक है। इसके बाद ये जाएगा हमारा स्टॉप बटन में, स्टॉप पुश बटन में जाएगा, ठीक है, स्टॉप पुश बटन में, जो नॉर्मली NC होता है, ठीक है। इसके बाद ये जाएगा स्टार्ट बटन में, हमारा स्टार्ट पुश बटन, जो नॉर्मली NO होता है, नॉर्मली ओपन, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये स्टार्ट पुश बटन है उसमें से जो हमारा ये एक टर्मिनल है, यहाँ से हमारा जो जाएगा वो मेन कॉन्टेक्टर के NO में जाएगा, ठीक है। जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर होता है उसके नॉर्मली ओपन NO कॉन्टेक्टर में जाएगा। मेन कॉन्टेक्टर दो होते हैं, NO NC, उसमें से मेन कॉन्टेक्टर के NO में जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर मेन की NVC जो कॉल होती है, ठीक है, वहाँ पे जाए, मेन कॉन्टेक्टर की NVC कॉइल में जाएगा, ठीक है। यहाँ तक रुक जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मेन कॉन्टेक्टर का जो दूसरा टर्मिनल है वहाँ से जाएगा हमारे जो स्टार कॉन्टेक्टर होता है उसके NO में जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर होता है उसके NC में जाएगा, नॉर्मली क्लोज। इसके बाद जाएगा डेल्टा की NVC कॉइल में, ठीक है। फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आ गया। जो NVC लिखा है वो 9 वोल्ट कॉल है, जो कॉन्टेक्टर उसकी जो कॉल है A1 A2 उसके अंदर हमको सप्लाई देना है, उसके अंदर यानी कनेक्शन करना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये स्टार का NO का जो बाकी है वो जाएगा यहां से जो हमारा स्टार पुश बटन उसके दूसरे टर्मिनल से यहां पे जाएगा स्टार के NO में, और यहां से फिर दूसरा टर्मिनल हमारा जाएगा टाइमर की NC में, जो हमारा टाइमर होता है उसकी NC में जाएगा, नॉर्मली क्लोज, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा हमारा जो हमारे स्टार कॉन्टेक्टर एक ही बाकी रहा, ठीक है, स्टार कॉन्टेक्टर की NVC कॉइल में जाएगा। ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर की NVC है, ठीक है। और इसके बाद इसके पैरेलल में हमारा टाइमर की जो हमारी NVC कॉल है वो आएगी, ठीक है, टाइमर की NVC कॉल जो पैरेलल में लगी होती है स्टार के। यहाँ से फिर वो सप्लाई हमारा जाएगा डेल्टा की NC में, ठीक है। यहाँ पे बता देते हैं उसको, डेल्टा की NC में जाएगा, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से, और जो बाकी के ये जो हमारा टर्मिनल जो ये हमारा कनेक्ट वो पैरेलल, यहाँ से इसको लूप देके दो हमारा OLR में देना तो वहाँ पे दे दीजिए OLR रिले में, ठीक है। और ये फिर हमारा वाई फेज में जाएगा, ठीक है, यानी फिर यहाँ से डेल्टा की NC, डेल्टा से NC, डेल्टा की NVC और मेन की NVC और वाई फेस में देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये इसकी कंट्रोल सर्किट है। एक बार फिर से समझा देता हूँ, जो दो फेस के बीच हमारी कंट्रोल सर्किट की जाती है, ठीक है। तो पहले हमारा स्टॉप बटन में जाएगा, दूसरा उसका टर्मिनल वो स्टार्ट बटन में, ठीक है। स्टार्ट का एक जो छेड़ा है वो मेन के NO में जाएगा, मेन के NO से दूसरा उसकी मेन की NVC में और वाई फेस में। इसी तरह मेन के NO का जो दूसरा टर्मिनल वो स्टार के NO में जाएगा, स्टार की NC में और डेल्टा की NVC कॉल, ठीक है। इसी तरह इसका जो दूसरा स्टार्ट का बटन है उसमें जाएगा वो स्टार के NO में और टाइमर की NC में और स्टार की NVC और उसके पैरेलल टाइमर की NVC और ये हमारा डेल्टा का NC होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप भी देख सकते, जैसे हम सप्लाई देते हैं तो हमारा दोनों सप्लाई से फेज आएगा, ठीक है। तो ये फेज हमारा NC से पास होते यहाँ तक आएगा, ठीक है। सप्लाई यहाँ तक आ रहा है, आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये नॉर्मली ओपन है, ठीक है, NO है, नॉर्मली ओपन, इसलिए सप्लाई यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर मेन का NO तक यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे नॉर्मली ओपन होगा, ठीक है, सप्लाई यहाँ तक आके रुक जाएगा क्योंकि नॉर्मली ओपन है, ठीक है, यानी सप्लाई आगे नहीं जाएगा। और फिर जो सप्लाई यहाँ से जा रहा है वो यहाँ से होके मेन की NVC में भी जाएगा, डेल्टा की NVC यहाँ तक आएगा और डेल्टा की NC जो क्लोज होती है उसकी वजह से यहाँ तक आएगा, यहाँ आगे नहीं जाएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। और ये जो हमारे जो NVC कॉल है, जो अगर उसको दो फेज मिले तभी वो ऑपरेट होती है, ठीक है, यहाँ से दोनों फेज मिलेंगे तभी वो हमारे मेन कॉन्टेक्टर की NVC कॉल ऑपरेट होगी, डेल्टा की होगी और स्टार की होगी, ठीक है। तो अभी एक ही साइड उसको फेज मिला है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ,
है, इसलिए वो ऑपरेट नहीं होगी। और हमारे सप्लाई जो से हमने सप्लाई स्टार्ट किया तो यहाँ से और यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको स्टार्ट पुश बटन उसको प्रेस करूँगा, जैसे ही स्टार्ट बटन को दबाऊंगा, ठीक है, तो ये नॉर्मली डॉटेड लाइन से बता नॉर्मली क्लोज हो रहा था थोड़े सेकंड के लिए, ठीक है। जैसे क्योंकि स्टार्ट पुश बटन किया हम उसको प्रेस करेंगे और फिर वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही उसको प्रेस करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ से मेन के एनो तक जाएगा, ठीक है, आगे नहीं जाएगा अभी तक, क्योंकि ये नॉर्मली ओपन है। फिर जैसे प्रेस करेंगे ये सब ये क्लोज होगा, नॉर्मली एनसी होगा। तो यहाँ से सप्लाई पास होते हुए स्टार के एनओ में जाएगा, और फिर जैसे ही टाइमर का एनसी है यहाँ से पास होके ये स्टार की एनवीसी में जाएगा। जैसे ही स्टार की एनवीसी में जाएगा तो ऑलरेडी इसको सप्लाई यहाँ से मिल रहा है, तो ये ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहली कंडीशन है उसमें यहाँ पे लिख देता हूँ, जो पहली कंडीशन है उसमें हमारी स्टार की एनवीसी कॉइल ऑपरेट होगी, ठीक है। एनवीसी कॉइल जैसे ही ऑपरेट होगी, यहाँ पे एनवीसी कॉइल जैसे ही ऑपरेट होगी, ये ऑपरेट होगी तो क्या होगा, जो स्टार का एन ओ स्टार का एनसी हो जाएगा, और जो स्टार का एनसी है नॉर्मली क्लोज है वो स्टार का एन ओ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है देख लेते हम लोग, ये हमारा स्टार का एन ओ जो एनसी हो जाएगा, और ये स्टार का एन ओ एनसी वो एन ओ हो जाएगा। तो ये हो गया एनसी और ये होगा एनओ, ठीक है। तो क्या होगा फिर, जैसे ही ये कंडीशन में जो स्टार हमारा ऑपरेट होगा, तो जैसे ही ये एनसी होगा तो सप्लाई यहाँ से यहाँ तक तो आ रहा है, ठीक है। फिर जैसे ही क्लोज होगा तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और ये होल्डिंग कॉइल है हमारी मेन की एनओ की, वो उसको मिलेगा तो ये भी एनसी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एनसी हो गया मेन कॉन्डक्टर की एनसी में हो जाएगा, ठीक है। और ये स्टार्ट बटन तो आपको पता होगा, जैसे ही हम स्टार्ट बटन को दबाएंगे प्रेस करेंगे वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर वो आगे तो आगे नहीं जाएगा, यहाँ से वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फिर सप्लाई यहाँ से जैसे ही इसको मिलेगा, मैंने पहले बताया इसको जैसे ही स्टार्ट को मिलेगा ये ऑपरेट हो जाएगा, तो सप्लाई ये हमारा यहाँ से पास होके इसको तो मिल ही रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ से ये हमारा मेन की एनवीसी में जाए, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा स्टार की एनवीसी हमारी ऑपरेट होगी, उसके साथ हमारा मेन कॉन्डक्टर की एनवीसी भी ऑपरेट होगी, ठीक है। यानी हमारा तब हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। एक बार फिर से समझा देता हूँ, जैसे ही मैंने प्रेस किया तो सप्लाई यहाँ से पहले पास होगा, यहाँ से, ठीक है, ये स्टार की जो एनवीसी उसको मिलेगा। और यहाँ से जैसे ही वो ऑपरेट होगी तो जो मैंने आगे बताया वो जो एनओ था वो एनसी हो जाएगा, और जो एनसी था वो एनओ हो जाएगा। ये एनओ हो गया तो सप्लाई डेल्टा को तो मिलने वाला नहीं है, ठीक है, इसको तो सप्लाई मिलने वाला नहीं है, यानी ये ऑपरेट नहीं होगा। मगर फिर क्या होगा, ये तो ओपन हो जाएगा, जो काफी से वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा, ठीक है, एनओ हो जाएगा। तो फिर इसको सप्लाई कहाँ से मिलेगा, स्टार की एनवीसी। तो फिर ये यहाँ से होल्डिंग कॉइल से पास हो गए, यहाँ से इसको स्टार की एनवीसी को सप्लाई मिलेगा, और दूसरा यहाँ से होके मेन की एनवीसी को मिलेगा। यानी पहली कंडीशन में हमारी स्टार की एनवीसी और मेन कॉन्डक्टर की एनवीसी वर्क करेंगी, ठीक है। इस कंडीशन में पहली जो मैंने बताया कंडीशन में स्टार कॉन्डक्टर है हमारा, वो पहले ऑफ होगा ऑपरेट होगा, उसके बाद मेन कॉन्डक्टर ऑपरेट होगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन वर्क करे, उसके बाद कुछ सेकंड बाद जो हमने टाइमर लगाया, टाइमर ऑपरेट होगा 25-30 सेकंड जो भी आप टाइम सेट किया उसके बेस पे वो ऑपरेट होगा, और ये जो हमारा टाइमर का एनसी है वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर देते हैं, ये एन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो एन होगा तो स्टार की एनवीसी को सप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो सप्लाई फिर क्या होगा, यहाँ से जैसे ही वो कट जाएगा तो जो हमारा स्टार का एनसी है वो एनओ हो जाएगा, और जो एनओ है वो एनसी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो क्या होगा फिर, यहाँ से तो फिर यहाँ से वो सप्लाई मिलना बंद हो जाए, जो सप्लाई यहाँ से मिल रहा था वो बंद हो जाए, टाइमर भी ओपन हो जाएगा, ठीक है, बराबर। तो यहाँ से उसको सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, और फिर मेन का एनओ तो हमारा ऑलरेडी ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर ये सप्लाई हमारा यहाँ से होके ये स्टार का एनसी हो जाए, उसकी वजह से ये डेल्टा की एनईसी कॉइल में मिलेगा, ठीक है। सप्लाई यहाँ से डेल्टा की एनईसी कॉइल में जैसे ही मिलता है तो ऑलरेडी ये सप्लाई यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ से भी इसको ई मिल, जैसे ही वो डेल्टा की एनईसी ऑपरेट होगी तो ये हमारे डेल्टा की एनसी है वो एन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से एनओ, ठीक है। यानी यहाँ से भी जो हमारे स्टार की कॉल है उसको सप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ से भी वो कट जाएगा। यानी कैसे वर्क करेगा फिर ये, यहाँ से होके मेन का एनओ
एंड सॉरी मेन कॉन्टेक्टर वर्क करा और इसी तरह टाइमर जैसे ऑपरेट करते हो, फिर यहाँ से सप्लाई पास हो दे डेल्टा की एनवीसी को मिलेगा इस तरह से। तो ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन में मेन का एनवीसी कॉल तो ऑपरेट होगी उसके साथ, ऑलरेडी वो तो ऑपरेट हो ही रहे उसके साथ हमारी डेल्टा की एनवीसी कॉल भी ऑपरेट होगी। ठीक, तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया पहली कंडीशन हमारा स्टार में, जैसे हम सप्लाई करते हैं ऑन करते हैं तो ये हमारी जो सर्किट मैंने जो बताई उसमें हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, उसके बाद मेन का एनवीसी ऑपरेट होगा, फिर थोड़ी देर टाइमर जैसे ऑपरेट होगा थोड़ी देर के बाद तो मेन का जो कॉन्टेक्ट वो तो अप ही होगा, उसके साथ वो डेल्टा की एनवीसी कॉल को ऑपरेट करेगा और मेन जो हमारे स्टार की वो क्लोज कर देगा। ठीक है, यानी फिर लास्ट में मेन कॉन्टेक्टर हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर वर्क करेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसकी कंट्रोल सर्किट इस तरह से वर्क करती है। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका 100% उसका जवाब दूंगा। ये जो मैंने सर्किट बताई उससे आप कनेक्शन करोगे स्टार डेल्टा स्टार्टर की तो 100% वो वर्क करेगी। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, उसको आपको जानना डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, और टाइमर पे भी मैंने वीडियो बनाया तो वो भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए, तो फ्रेंड्स मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, तो फ्रेंड्स मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना मत भूलिए। फ्रेंड्स आप लाइक करते हो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मैं काफ़ी वीडियो बनाने की ट्राई करता, अच्छी वीडियो बनाने की ट्राई करता हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पर लाइक करना जरूर बनता है, तो लाइक करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।